बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे से खाने बना के खा रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में मेरा बहुत फेवरेट फूड बना है, दाल चावल। मुझे बहुत पसंद है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि और किस किस को दाल चावल बहुत पसंद है। 500 ग्राम मेरे यहाँ पे दाल है, चने की दाल ली है मैंने, 1 टेबल स्पून मेरे पास रेड चिली है, सॉल्ट टू टेस्ट है, हल्दी मेरे पास 1 टीस्पून भर के है, ज़ीरा है मेरे पास, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, कड़ी पत्ते हैं, 4-5 लौंग हैं। दाल को सबसे पहले हम बॉईल कर लेंगे। फ्रेंड्स, दाल को मैं बॉईल हल्दी डाल के और सॉल्ट डाल के करूँगी, इससे दाल का टेस्ट और भी इन्हेंस होता है अगर आप हल्दी डाल के दाल को पहले बॉईल कर ले तो। साथ ही हमारी दाल बॉईल हो रही है, साथ ही हम मसाला भी तैयार कर लेंगे। मसाले में सबसे पहले मैं यहाँ पे ज़ीरा डाल लूँगी, लौंग डाल लूँगी थोड़ा सा भून के, फिर मैं यहाँ पे अनियन डाल लूँगी। अनियन का कलर मैं थोड़ा सा डार्क ही रखूँगी, इससे दाल का कलर बहुत अच्छा आता है। डार्क ब्राउन नहीं करना, लेकिन ये ब्राउन सा कर लेना है आपने। यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता भी डाल लूँगी, थोड़ा सा भून लूँगी, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के भी अच्छे से भून लूँगी। भून के थोड़ा सा पानी डाल लूँगी फ्रेंड्स, ताकि जो प्याज का कलर है वो मसाले में अच्छे से आ जाए और हमारी दाल बहुत कलरफुल मज़े की बने। तो यहाँ पे मैं 2 अदर टमाटर का पेस्ट भी डाल दूँगी। टमाटर मैंने ब्लेंड कर लिए थे। 1/2 टीस्पून में यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून ही तकरीबन मैंने दाल में भी डाल ली थी। सूख मिर्ची भी डाल लूंगी, भून लेंगे मसाले को अच्छे से। 1 टेबल स्पून के बराबर मैं यहाँ पे कर्ड डाल रही हूँ, कर्ड का पानी भी ड्राई कर लेंगे, मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला कितने अच्छे से भून गया हुआ है। यहाँ पे अब मैं मसाले में जो हमारी बॉईल हुई हुई दाल है वो भी ऐड कर देंगे। दाल हमारी बहुत अच्छे से बॉईल हुई हुई है। सो दाल को मसाले में थोड़ा भून लेंगे, फिर ऐड करेंगे पानी और इसको कुछ देर के लिए पका लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम अपने राइस की तैयारी भी कर लेते हैं। बॉयल राइस के लिए मैंने यहाँ पे लिया है विनेगर, देसी घी, ज़ीरा और सॉल्ट। राइस मेरे ऑलरेडी भीगे हुए थे फ्रेंड्स, सो यहाँ पे हम विनेगर डाल देंगे। विनेगर से आपके राइस में एक तो टेस्ट भी अच्छा आता है, ओवर नहीं डालना आपने, थोड़ा ही डालना है, और प्लस आपके राइस जो है ना वो बहुत खिले खिले से बनते हैं, चिपकते नहीं आपस में। सो फ्रेंड्स, राइस हमारे यहाँ पे 95% कुक हो गए थे। ज़ीरा डाल के मैंने इसका पानी ड्रेन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे देसी घी डाल के इसको दम लगा दूँगी। दम मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगाऊंगी। 95-98% राइस हमारे ऑलरेडी कुक हैं। मिक्स कर लेंगे देसी घी को, दम लगाऊंगी मैं। तो यहाँ पे हमारी दाल भी पक रही है। दाल को अब मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, बिकॉज बहुत खड़ी खड़ी सी दाल मज़े की नहीं लगती दाल चावल में, तो थोड़ा सा हम इसको मैश कर लेंगे। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं हमारा तुलसमी मसाला। फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी मसाला है, दाल में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। किसी भी दाल में और सब्ज़ी में डालें ना तो ये मसाला बहुत टेस्टी लगता है आपको। उसके लिए मैंने यहाँ पे ड्राई रोस्ट किया हुआ ज़ीरा और धनिया लिया है, उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। जब थोड़ा सा कलर चेंज हो गया तो ब्लैक पेपर डाल के उस मसाले को अच्छे से कूट लेंगे, क्रश कर लेंगे। देन उसके बाद फ्रेंड्स, ग्रीन चिली ऐड करेंगे दाल में और ग्रीन कोरिएंडर ऐड करेंगे और हमारा मसाला ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और हल्की आंच पे इसको 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि हमारे मसालों का टेस्ट दाल में बहुत अच्छे से आ जाए। मसाला डाल के आप उसको लिड लगा के ऑलवेज पकाया करें, इससे आपके मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है आपकी किसी भी वेजी में, किसी भी चीज़ में, किसी भी दाल वगैरह में। सो फ्रेंड्स, राइस का भी लिड खोल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने खिले खिले से और मज़ेदार से राइस लग रहे हैं।
राइस की आप टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, विनेगर ज़रूर डालिएगा देसी घी, इससे आपका राइस बहुत टेस्टी बनेंगे। चेक करा देती हूँ राइस को मैं आपको खोल के, ये देखिए कितने खिले खिले और कितने अच्छे से गल गए हमारे राइस। तो सर्व करेंगे हम अपने दाल चावल को अपने मनपसंद लवाजमात के साथ। कुछ लोगों को इसके साथ अचार अच्छा लगता है, कुछ लोगों को इसके साथ रायता अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे प्याज के साथ, शामी कबाब के साथ और चटनी, दही वाली चटनी के साथ सर्व करूँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को दाल चावल बहुत पसंद है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे और बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाह पाक आपकी खानों में बरकत अता फरमाए। आमीन, अल्लाह हाफिज़।